गुड मॉर्निंग, मेरा नाम डिंपल ठाकुर है। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ठंडोग में एसएस की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। आज मैं निष्ठा ट्रेनिंग के बारे में आपसे कुछ एक विचार अपने साझा कर रही हूँ। निष्ठा ट्रेनिंग जो है वो एक एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों के, जो हम शिक्षक है, उनके प्रशिक्षण में किताबों के स्थान पर जो है वो बच्चों के बौद्धिक विकास पर भी एक बहुत ही अच्छा जो है वो मुख्य रूप से जो है ध्यान केंद्रित करता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के अंदर जो महत्वपूर्ण सोच है उसको प्रोत्साहित करता है और उनके काम के करने के ढंग को बढ़ावा देता है। अब ये जो ट्रेनिंग हमने ली थी, ये आई थिंक हमने ये 2.0 ट्रेनिंग थी हमारी, और ये कोरोना से पहले की ट्रेनिंग थी। तो इसमें हमने सभी टीचर्स ने जो अपनी उपस्थिति दी थी, मोरनी में ये हमारी ट्रेनिंग हुई, तो इसमें हमें बहुत से अच्छे अच्छे टीचर्स मिले थे जिन्होंने हमें हर विषय के पर जो है चर्चा हुई थी उसमें। और उसमें हमारे जो इस जो ट्रेनिंग दी गई थी उसमें हमारा जो दृष्टिकोण था वो बहुत ही व्यापक हुआ था, और इसमें हमें हमारी कार्यक्षमता को भी बढ़ावा मिला था कि हमें किस तरह से किसी काम को करने के लिए हमें कितना दूरदर्शिता का जो है वो भी हमें प्रभाव आया था सामने। ये जो ट्रेनिंग थी वो एक तो पूरी तरह से जो है वो प्रैक्टिकल वर्क होती है, और इसमें हम अपने अंदर जो है कई तरह के जो है स्किल जो है वो विकसित कर सकते हैं। और ये ट्रेनिंग जो है, ऐसी ट्रेनिंग जो है हमें समय समय पर मिलती रहनी चाहिए, और इस ट्रेनिंग के माध्यम से हर जो शिक्षक है उसने हर विषय को लेकर जो है अपनी प्रति जो है वो पूरी रुचि से जो है काम किया था। हमें अश्वनी सर, मोनिका मैम, और अब तो बहुत टाइम हो गया इसलिए मुझे कुछ एक अपने जो हमारे टीचर्स हैं उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन सभी ने जो है हमें बहुत ही अच्छी तरह से जो है साइंस का हो, मैथ्स का हो, कोई भी हमें जो काम था वो बड़ी अच्छे से समझाया था ताकि हम आगे जाके अपने बच्चों में ही इस चीज को जो है समझा सके। और यही काम जो होता है बच्चों को किस तरह से सीखने का अनुभव प्रदान करता है वो भी इस चीज में सिखाया गया हमें। इसलिए ये जो ये ट्रेनिंग है, निष्ठा ट्रेनिंग, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो शिक्षकों को प्रदान की गई है, एक बहुत ही अच्छी पहल है जो कि हमें समय समय पर जो है अपने बौद्धिक विकास को बढ़ावा देने का काम करती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद।